अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनोवेटिव टेक एंड DIY। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम एक एलिप्स टूल को हार्ट शेप कैसे दे सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एलिप्स टूल बनाएंगे। अब हम इसमें अपनी मर्जी का कलर ऐड कर देंगे। मैं पर्पल कलर ऐड कर रही हूँ। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को अब यूज़ करूँगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हम जब भी किसी एंकर पॉइंट पर रख के क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऐसे हैंडल्स शो हो जाते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा डाउन करूँगी, नीचे लेके जाऊँगी। आप अपने माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं या कीबोर्ड पे मौजूद एरो की के ज़रिए भी आप इसको नीचे ला सकते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे लाएंगे, इसके बाद किसी भी हैंडल पे अपना माउस रखेंगे, कर्सर को रख के ऑल की प्रेस करेंगे और इसको हैंडल को ऊपर ले जाएंगे। तो दूसरे हैंडल के साथ भी हम यही करेंगे, माउस पे राइट क्लिक एंड ऑल की प्रेस करके हम इसको ऊपर ले जाएंगे। ये हमने एक वी शेप इसको दे दिया है। नीचे वाले एंकर पॉइंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हैंडल्स शो हो जाएंगे। यहाँ पे भी सेम वही स्टेप होगा, माउस पे राइट क्लिक ऑल की प्रेस और एक तरफ से हैंडल को ऊपर कर देंगे। किसी भी स्टेप को वापस करने के लिए जब गलत हो जाए तो कंट्रोल प्लस जी हम प्रेस करते हैं तो वो अंडू हो जाता है। तो देखा आपने मैंने कितनी आसानी से एक एलिप्स टूल को हार्ट शेप बना दिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल पे बने रहिए आने वाली हर नई वीडियो के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।